मम्मी बनेगी बिजनेस वुमैन। शाम का समय था और चिंकी बेसब्री से पापा के आने का वेट कर रही थी। थोड़ी देर में पापा आ जाते हैं। क्या हुआ चिंकी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? पापा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, चलिए अंदर चलिए। हाँ हाँ चिंकी, बोलो। पापा, मेरे स्कूल में एक प्ले हो रहा है जिसमें मुझे भी रोल मिला है, लेकिन उस रोल के लिए मुझे एक सॉफ्ट टॉय चाहिए जो कि मेरा पेट बनेगा। ओ वाह, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है चिंकी? पापा, मेरे पास कोई सॉफ्ट टॉय नहीं है जो मेरा पेट बन सके। अच्छा, तो चलो अभी तुम्हारे लिए पेट ढूंढते हैं। फिर पापा अपना मोबाइल फोन निकालते हैं और पुनटुन किड्स की वेबसाइट खोलते हैं। देखो चिंकी, ये रहे सॉफ्ट टॉयज, अब बताओ तुम्हें इसमें से कौन सा चाहिए? अरे वाह पापा, ये तो कितने सारे सॉफ्ट टॉयज हैं और कितने क्यूट भी हैं। यहाँ पे तो लैब्राडोर, स्क्विरल, बनी, टेडी, मंकी और कितने सारे और सॉफ्ट टॉयज हैं। मैं कौन सा लूँ पापा? अरे जो भी तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। मुझे लैब्राडोर सबसे क्यूट लग रहा है पापा, आप मुझे यही दिला दीजिए। ठीक है चिंकी, मैंने ऑर्डर कर दिया है, जल्दी तुम्हारा लैब्राडोर आ जाएगा। थैंक यू पापा। चिंकी का प्ले बस एक दिन बाद था और आज उसका पार्सल आ जाता है। चिंकी अपना सॉफ्ट टॉय देखकर बहुत खुश होती है। वाव, कितना क्यूट है मेरा लैब्राडोर, देखो ना गट्टू। हाँ चिंकी, ये तो बहुत प्यारा है। अब कल प्ले में मजा आ जाएगा, सब लोग मेरा पेट देखकर खुश हो जाएंगे। चिंकी, कल तुम अच्छे से अपने प्ले में परफॉर्म करना, तुम जब घर वापस आओगी तब मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। वाव, ओके मम्मी। अगले दिन चिंकी स्कूल से वापस आती है और मम्मी को बताती है। मम्मी मम्मी, मेरा प्ले बहुत अच्छा गया, सबने मेरी खूब तारीफ की और सबको मेरा पेट भी बहुत पसंद आया। बहुत अच्छे चिंकी, मुझे पता था तुम अच्छे से परफॉर्म करोगी। मम्मी, आपने कहा था कि मुझे सरप्राइज मिलेगा, कहाँ है? मम्मी किचन में जाती है और चिंकी के लिए एक केक लेकर आती है जो कि उसके नए सॉफ्ट टॉय के फेस के शेप में था। वाव, ये कितना अच्छा है मम्मी, ये तो कितना क्यूट डॉग वाला केक है। चिंकी, ये स्पेशल केक तुम्हारे लिए है, आज कपले अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, पापा भी आते ही होंगे, फिर साथ में काटेंगे। थोड़ी देर में पापा आ जाते हैं और सब लोग साथ में केक काटते हैं। सब लोग मम्मी के बनाए हुए केक की बहुत तारीफ करते हैं। वाओ मम्मी, ये केक तो बहुत ही टेस्टी है। सच में मम्मी, जितना अच्छा ये देखने में है उतना ही अच्छा खाने में भी है, आपको तो केक का बिजनेस करना चाहिए मम्मी। हाँ जिंकी, तुम एकदम ठीक कह रही हो, मैं भी कब से कह रहा हूँ कि इन्हें केक का बिजनेस करना चाहिए। अच्छा, लेकिन कैसे? कैसे क्या मम्मी, चलो कल ही कॉलोनी में जाके सबको बता देते हैं कि मम्मी ने केक बनाने का बिजनेस शुरू किया है और जिसे भी चाहिए हो वो हमें आके ऑर्डर दे दे। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो गट्टू, हमें कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही चाहिए। ठीक है, कल ही ये काम शुरू करते हैं। तो ये तय रहा कि मम्मी का बिजनेस कल से ही स्टार्ट होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ये लो गट्टू जिंकी, ये पैम्फलेट्स कॉलोनी में सबको दे आना, इसमें मम्मी के नए बिजनेस के बारे में लिखा है और ऑर्डर करने के लिए मम्मी का नंबर भी है। हाँ, इससे लोग हमें आराम से ऑर्डर दे पाएंगे। ओके पापा, कल मैं और चिंकी सबको ये पैम्फलेट्स दे आएंगे। अगला दिन होता है और गट्टू चिंकी कॉलोनी में जाकर सबको मम्मी के बिजनेस के बारे में बताते हैं और पैम्फलेट्स बांटते हैं। और पापा एक बोर्ड बनवा कर ले आते हैं जिसमें मम्मी के केक के बिजनेस के बारे में लिखा था। पापा उसे गेट पे लगा देते हैं। एक घंटे के बाद गट्टू चिंकी भी घर वापस आ जाते हैं। क्या हुआ बच्चों? गट्टू और चिंकी एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे बोलो ना क्या हुआ। कांग्रेचुलेशंस मम्मी। मम्मी, आपका पहला ऑर्डर मिल गया है। हमारे घर के बगल में जो आंटी रहती है ना, उनकी बेटी का 3 दिन बाद बर्थडे है और उन्होंने हमें केक का ऑर्डर दे दिया है। और मम्मी, पास में एक भैया अकेले रहते हैं और आज ही वो एक डॉग को लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि वो उसके वेलकम की पार्टी रख रहे हैं और उसके लिए वो आपसे एक केक लेंगे, तो उन्हें केक आज ही देना है। अरे वाह, हमें तो हमारा पहला ऑर्डर भी मिल गया। हाँ भाई हाँ, अब मम्मी बिजनेस वुमेन जो बन गई है। सब लोग साथ में हंसते हैं और मम्मी केक बनाने में लग जाती है।
थोड़ी देर में मम्मी अपना पहला ऑर्डर तैयार कर लेती है। वो उसे पैक कर देती है और गट्टू के साथ डिलीवर करने जा रही थी। रुको रुको रुको, ये मम्मी का पहला ऑर्डर है ना, चलो इसके साथ उनकी एक फोटो हो जाए। अरे नहीं नहीं, मेरे अकेले की नहीं, आइए आप सब आइए। फिर सभी मम्मी के पहले ऑर्डर के साथ एक सेल्फी लेते हैं। इसके बाद मम्मी और गट्टू जाकर केक की डिलीवरी कर देते हैं। शाम को कस्टमर का कॉल आता है कि उन्हें केक बहुत पसंद आया। सब काफी खुश होते हैं। ऐसे ही मम्मी अपने नए बिजनेस की शुरुआत करती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।